नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने जारी की 10वीं 12वीं की परीक्षा तिथि। उद्योग विभाग 31 अगस्त को कैंप के माध्यम से देगा लोन। प्रदेश में मछली पालन करने वाले लोगों को मिली खुशखबरी। जानलेवा बना डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। किसी भी बल्लेबाज से नहीं डरते हैं बुमराह, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि। 12वीं और 10वीं की परीक्षा की तिथि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है। ये परीक्षा 18 सितंबर से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 18 से 26 सितंबर तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी। सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। इसमें पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली 2 बजे से शाम के 5:15 तक चलेगी। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। देर से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट को देखें। उद्योग विभाग 31 अगस्त को कैंप के माध्यम से देगा लोन। सभी जिलों में 31 अगस्त को उद्योग विभाग की तरफ से स्वरोजगार के लिए कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में लाभार्थियों को लोन दिया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, जीविका और बैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे। उद्योग निदेशक ने सभी जिलों के डीएम, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जोनल मैनेजर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक को योजनाओं की स्वीकृति और लोन देने के लिए पत्र लिखा है। ये लोन पीएम विश्वकर्मा, पीएम एफएमई और पीएम ईजीपी योजना के तहत दिए जाएंगे। वहीं इस संबंध में उद्योग और पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से दूसरे के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ऐसे में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को लोन दिया जा रहा है, जिससे वे उद्योग स्थापित करें। कहीं से भी भर सकते हैं जमीन सर्वे के लिए आवेदन। बिहार में सर्वे का काम चल रहा है। ऐसे में जो लोग घर से बाहर या किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो वे कहीं से भी जमीन के सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट के अलावा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। या इसके अलावा सर्वे की स्थिति को देखने के लिए आप सर्वे ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि सर्वे के दौरान भूमि मालिक को उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है। बिहार में 47 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोलने की तैयारी। 36 तरह के होंगे वाहन जांच। बिहार में फिटनेस सेंटर की संख्या बढ़ने वाली है। इसकी जानकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। प्रदेश में कुल 47 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कई जिलों में तो टेस्टिंग सेंटर शुरू भी किए जा चुके हैं, जिसमें पटना, भागलपुर, नालंदा, सासाराम, गया और हाजीपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में व्यावसायिक वाहनों की जाँच ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटरों पर किए जा रहे हैं। लेकिन अक्टूबर से सभी स्टेशनों पर निजी गाड़ियों की जांच भी होगी। इन सेंटरों पर वाहन जांच के लिए 17 मशीनों का उपयोग होगा, जिससे 36 तरह के फिटनेस जांच किए जाएंगे। जांच के बाद गाड़ी मालिकों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसकी मान्यता पूरे देश में होगी। अब पटना जू में घूमने का मजा होगा दोगुना। होने जा रहा है ये बदलाव। संजय गांधी जैविक उद्यान के दोनों मुख्य द्वार पर LED डिस्प्ले बोर्ड लगाया जा रहा है, जिससे जू यानी कि जैविक उद्यान की वन्य प्राणी उछल कूद करते आपको दिखाई देंगे। ये डिस्प्ले बोर्ड दर्शकों के मनोरंजन को और भी दोगुना कर देगा। बच्चे भी इसे देखकर काफी आकर्षित होंगे। इसमें जू के कई जानवर जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, गैंडा, जिराफ जैसे कई वन्य प्राणी चहलकदमी करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही वनस्पति क्षेत्र के दृश्य को भी दिखाया जाएगा। ये डिस्प्ले बोर्ड दर्शकों को आने वाले 6 से 7 दिनों में पटना जू के बाहर लगा दिखाई देगा। इसकी जानकारी वनस्पति क्षेत्र के रेंज ऑफिसर अरविंद कुमार वर्मा ने दी है। प्रदेश में मछली पालन करने वालों को मिली खुशखबरी।
प्रदेश में मछुआरा पेशे से संबंध रखने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल पशुपालन और मत्स्य विभाग को 47 सरकारी जलाशयों पर फिशरीज राइट्स दिया गया है, जिससे ये राज्य के जलाशयों में मत्स्य पालन कर पाएंगे। अब मछली पालन प्रदेश के बांध, डैम, पोखरों और झीलों में भी हो सकेगा। सरकार के इस फैसले से मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। विभाग के मुताबिक देश के मुकाबले बिहार में सबसे कम मछली की उत्पादकता देखने को मिलती है। देश का औसत मछली उत्पादन 20 किलो प्रति हेक्टेयर और बिहार में महज 5 किलो प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन देखने को मिलता है। जानलेवा बना डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। बिहार में डेंगू का कहर जारी है। हाल ही में पटना के नौबतपुर निवासी एक 16 वर्षीय किशोर की डेंगू से मौत हो गई। बता दें कि इस वर्ष जिले में डेंगू से ये तीसरी मौत है। इससे पहले भी एक बुजुर्ग और एक महिला की जान जा चुकी है। पटना की अगर हम बात करें तो डेंगू की मरीजों की संख्या 18 हो चुकी है। वही राज्य में डेंगू पीड़ितों की कुल संख्या बढ़कर 230 हो गई है। जिला संक्रामक रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद ने बताया कि अजीमाबाद में 5, कंकड़बाग में 3 और बांकीपुर में 2 नए केस मिले हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्रा, एनसीसी, अथमलगोला, धनरुआ, दानापुर, पटना सदर में भी एक एक मरीज सामने आए हैं। 1,44,000 जाली नोट के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी से खबर है, जहां छौड़ा दानो रक्सौल पत नहर रोड से पुलिस ने एक तस्कर को 1,44,000 जाली नोटों के साथ दबोच लिया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है। जाली नोट के साथ गिरफ्तार युवक का नाम आसिफ राज है, जो कि आदापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले पर SP कांतीश कुमार ने कहा कि तस्कर के पास से जाली नोट के अलावा 10,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही जाली नोट और उसकी बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कोलकाता की डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए अक्षरा ने गाया गाना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा का लहर है। वही भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने डॉक्टर को न्याय दिलाने के उद्देश्य से एक गाना गाया। इस गाने का नाम है कब तक चुप रहेंगे। बता दें कि इस गाने को गीतकार मनोज मतलबी ने लिखा है, गाने को गाया है अक्षरा सिंह ने और गाने को म्यूजिक में पिरोया है छोटू रावत ने। इस गाने के जरिए अक्षरा सिंह ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। वही ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो रहा है और दर्शक गाने को पसंद कर रहे हैं। प्रदेश के 250 से भी ज्यादा स्कूल बाढ़ के कारण हुए प्रभावित। प्रदेश में 250 से भी ज़्यादा स्कूल बाढ़ के कारण प्रभावित हो रहे हैं, जिस वजह से इन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के तहत बाढ़ से प्रभावित पटना के 76 और बेगूसराय के 80 स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहीं मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और बांका समेत और भी कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षकों की आवाजाही के लिए नावों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही नावों पर लाइफ जैकेट और गोताखोरों की व्यवस्था रखी गई है। फिलहाल बांका, पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, जमुई, किशनगंज, नालंदा, नवादा, पटना, शेखपुरा, सिवान और बेगूसराय जैसे जिले में हजारों शिक्षक नाव से आवाजाही कर रहे हैं। पटना में बनेगा 13 किलोमीटर लंबा नया एलिवेटेड रोड, जाम से मिलेगी राहत। राजधानी पटना में 13 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। ये एलिवेटेड रोड केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। ये 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर न्यू बाईपास पर अनिसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ पर बनाया जाएगा। इसका अलाइनमेंट तैयार हो चुका है और निविदा इस साल के अंत तक जारी कर दी जाएगी। जानकारी मिली है कि इस नए एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 3 से 4 जगहों पर परेशानी खड़ी हो रही है। हालांकि DPR में इस परेशानी के समाधान की बात सामने आई है। फिलहाल इस रोड से करीब 2 लाख तक गाड़ियों का आवागमन होता है और 13 किलोमीटर के सफर को तय करने में 1.5 घंटे तक का समय भी लग जाता है। इस नए एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से ट्रैफिक की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। चिराग पासवान बोले, RJD फैला रही है भ्रम।
बीते दिन हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान से जब पार्टी की टूट और आरजेडी में ऑफर को लेकर सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आरजेडी भ्रम फैला रही है और ये एक तरह की साजिश है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे बेकार के दावे करके आरजेडी झूठा दिलासा दे रही है, तो चिराग ने सभी दावों को खारिज करते हुए इसे साजिश करार दिया। प्रशांत किशोर का ऐलान, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी खर्च देगी सरकार। जनसुराज के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने सुपौल पहुंचकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 15 साल से कम के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च, जिसमें उनकी किताबों से लेकर विद्यालय के कपड़े, सब कुछ बिहार के बच्चों के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही ये व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि सभी प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगी। प्राइवेट स्कूल में भी 15 साल तक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार देगी, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि आपकी नीतीश सरकार पढ़ाई के नाम पर हर साल 50,000 करोड़ खर्च कर रही है, पर आप ही बताइए कि उन 50,000 करोड़ से क्या 50 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा ये संकल्प है कि हम इन्हीं 50,000 करोड़ को सही तरीके से खर्च करके आपके बच्चे को अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई कराएंगे, ताकि 15 वर्ष के बाद ये सरकार और व्यवस्था पर बोझ नहीं बने। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू की बढ़ी मुश्किलें। बिहार के दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर फायरिंग के मामले में पिंकू यादव के खिलाफ खगौल पुलिस ने वारंट जारी किया है। पुलिस पिंकू की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अगर पिंकू जल्द ही नहीं पकड़े गए तो पिंकू के घर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पटना एम्स में गार्ड बहाली के दौरान अपने लोगों की पैरवी करने और सुरक्षा अधिकारी पर गोली चलाने का पिंकू पर आरोप है। इस मामले में 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्होंने बताया है कि पिंकू सिंह के इशारे पर गोली चलाई गई है। फिलहाल पिंकू की तलाश जारी है। किसी बल्लेबाज से नहीं डरते हैं बुमराह, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह वीडियो। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम कई बेहतरीन गेंदबाजों की सूची में शामिल है। अभी हाल ही में एक इवेंट के दौरान उनसे पूछा गया कि वे किस बल्लेबाज को सबसे मुश्किल मानते हैं, तो इसका जवाब उन्होंने बड़े ही मजेदार तरीके से दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल बुमराह ने कहा कि मैं अच्छा जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर हावी हो। मैं हर किसी का सम्मान करता हूं और अपने दिमाग में कहता हूं कि अगर मैं अपना काम अच्छे से कर सका तो इस विश्व में कोई नहीं है जो मुझे रोक पाए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, भोला जा, छोटू रजा, दीपक कुमार, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपके क्षेत्र के स्कूल और बच्चों की पढ़ाई बाढ़ से प्रभावित हो रही है? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।